हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत। कल की डेट में यहाँ पर दो वीडियो यहाँ पर डाले गए हैं, जाके होप आप लोगों ने देखे होंगे। नहीं देखे तो जाके देखिए, आपको पता चलती हुई नजर आएगी कि बाजार में गिरावट और थोड़ी गिर सकती है, और अगर गिरावट होगी कहाँ पर गिरावट होगी, किस तरीके से यहाँ पर आपको रिएक्ट करना है, वो सब चीज यहाँ पर आपको दिया गया है, बताया गया है। एज वेल एज यहाँ पर नजारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो है, किस तरीके से यहाँ पर ये आप स्विंग ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कुछ एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, जो कि आपने यहाँ पर थंबनेल में देख ही लिया है, जिसका नाम है यश कैमेक्स। तो ये कंपनी करती क्या है, क्या इसके फंडामेंटल्स है, इसके टेक्निकल क्या कह रहे हैं, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और जब ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको वीडियो फौरन तौर पे मिले और यहाँ पर आप वीडियो को देख के एंजॉय कर सके एज वेल एज सीख सके। और कोई भी बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को खुद की स्टडी करना है, क्योंकि अगर जितना आप स्टडी करेंगे उतना ही ज्यादा आप यहाँ पर पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। एज वेल एज यहाँ पर्टिकुलर नंबर दे रखे, नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करिए। ओके, फाइनेंशियल सर्विसेज का लाभ उठाना है तो स्टूडेंट हो एज वेल एज कोई जॉब वाला हो जो मार्केट को पूरी तरीके से नहीं देख पाता, तो यहाँ पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं के पोर्टफोलियो चेक भी करा सकते हैं, पोर्टफोलियो क्रिएट भी करा सकते हैं, एज वेल एज स्विंग ट्रेडिंग में के लिए हम स्टॉक देते हैं वो आपको मिल सकते हैं। तो ये वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हो, जानते हैं यश कैमेक्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पर आपको कैमेक्स लिख रहा है, मतलब केमिकल से रिलेटेड है, तो बिजनेस होलसेल ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। एज वेल एज यहाँ पर देखिए तो कंपनी यूएसए, ईरान, चाइना वगैरह इन कंट्रीज में यहाँ पर इनका प्रेजेंस भी है। कंपनी काफी पुरानी है। ओके, और अगर हम यहाँ पर देखें, अच्छी खासी कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में। इनके प्रोडक्ट की बात करें तो डाइज, इंटरमीडिएट्स, रिएक्टिव डाइज एज वेल एज लेमिनेटेड केमिकल्स में ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर इन कंपनी ये इन पर्टिकुलर बिजनेस में, जैसे कि रबर इंडस्ट्री, फार्मा केमिकल इंडस्ट्री, लेमिनेटेड केमिकल्स, पिगमेंट केमिकल्स, ये कंपनी बनाती हुई दिखाई देती है। एक बार इनकी वेबसाइट पर जाइएगा और आपको आइडिया भी लग गया होगा किस तरीके की केमिकल्स ये बनाते हुए होलसेल ये केमिकल्स में काम करती हुई दिखाई देती है, जैसे कि डाइज के बिजनेस में हो गया, एज वेल एज यहाँ रिएक्टिव डाइज और लेमिनेटेड केमिकल्स में कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे, केमिकल्स की इंडस्ट्री यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर पहले भी भाग चुकी है, अच्छे खासे रिटर्न दे चुकी है, बट स्टिल यहाँ पर केमिकल्स और भी आगे चल के यहाँ पर जितने भी केमिकल्स की बड़ी बड़ी हो गई या छोटे कंपनीज हो गई जिसके फंडामेंटल सपोर्ट करते हैं, वो शेयर यहाँ पर आगे की तरफ भागते हुए नजर आएंगे। और यही जो छोटी छोटी कंपनीज है आगे चल के 5,000 करोड़, 50,000 करोड़ की कंपनी बनती हुई नजर आती है, जो आप देखते हैं ना कि कभी शेयर 5 रुपए का हुआ करता था और फिर यहाँ पर चार्ट इस तरीके से भागते हुए दिखाई देते हैं, लंबे टाइम में 10 से 15 साल में आपके 1 लाख रुपए के करोड़ों में वो चेंज कर देते हैं। तो कुछ कंपनीज इस तरीके की कंपनीज होती है, तो आपको ध्यान रखना होता है, आपको सीखना होता है, तो आपको समझ में आएगी। अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। तो मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 60 करोड़ के आसपास की कंपनी है, तो माइक्रो कैप कंपनी है, ज्यादा यहाँ पर पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि ऐसी कंपनी जब भागती है तो अच्छी तरीके से भागती है, बट गिरती है तो उसी तरीके से यहाँ पर गिरती हुई भी नजर आती है, तो इसको अपने माइंड में रखिएगा। पीई की बात करें, 29 का पीई पे कंपनी ट्रेड कर रही है, इंडस्ट्री का पीई 31 है, तो लगभग यहाँ पर पीई कम ही है, सस्ते में ही मिल रहा है, आप कह सकते हैं एवरेज यहाँ पर आपको वैल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई नहीं देती। आरओसी आरओई की बात करें तो 9 और 6% की, कुछ खास नहीं है, मैं हमेशा बताता हूँ कि आरओसी आरओई 20 या 30 के ऊपर हो तो अच्छा रहता है, बट स्टिल यहाँ पर देश सब चीज देखनी पड़ती है, ऐसा भी नहीं है काफी कंपनीज के आरओसी आरओई काफी ऊपर है। ओके, बट स्टिल वो कंपनी यहाँ पर अच्छी नहीं होती, तो ये सब चीज पैरामीटर्स होते हैं, देखने के नजरिया होता है। डेट की बात करें, 15% का डेट है, डेट भी ज्यादा नहीं है, और यहाँ पर देखे तो 64 रुपए 65 रुपए का हाई बना के शेयर यहाँ पर 57 रुपए के आसपास यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर और कुछ पैरामीटर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 साल का चार्ट पैटर्न, साइड बेस जोन, और फिर एक साथ यहाँ पर शेयर कुछ टाइम पहले यहाँ पर रिजल्ट के बाद भागता हुआ दिखाई दिया, और यहाँ पर देख सकते हैं 2016 में यहाँ पर एक कंपनी यहाँ पर लिस्ट होती हुई दिखाई दी, उसके बाद शेयर अच्छा खासा यहाँ पर भागा है, 105 तक गया है, और 2019 के बाद लगातार यहाँ पर गिरावट हुई, और एक कंसोलिडेशन फेज में ही तब से यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है, ज्यादा इसने यहाँ पर शेयर ने अभी तक कुछ कारनामा करके दिखाया नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट्स की।
तो रिजल्ट्स आपके सामने, स्टैंडर्ड लोन रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पर सबसे पहले स्टैंडर्ड लोन देख लेते हैं। तो कंपनी की 2019 में जैसे यहाँ पर देखा था कि अच्छे खासे रिजल्ट थे, उसके बाद लगातार रिजल्ट गिरते हुए दिखाई दिए 2019 में, जिसकी वजह से यहाँ पर शेयर प्राइस भी गिरता, यहाँ पर शेयर भी गिरता हुआ नजर आया, 105 से यहाँ पर 20-30 रुपए तक आ गया। और फिर उसके बाद देखे तो यहाँ पर कोविड का सीजन आता हुआ दिखाई दिया, और कोविड के बाद दोबारा शेयर यहाँ पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि हाईएस्ट एवर, पिछले 12 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर यहां पर सेल्स हुई है। प्रॉफिट की बात करें तो यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है पिछले 12 क्वार्टर का। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पे देख लीजिए या ईयरली बेसिस पे देख लीजिए, हाईएस्ट एवर यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑन प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखे जाए तो ईयरली बेसिस पे कम है, बट क्वार्टरली बेसिस पे स्टिल यहाँ पर अच्छा खासा इंटैक्ट बना हुआ है। कंसोलिडेट नंबर देख लेते हैं तो वो भी यहाँ पर देख लीजिए। कंसोलिडेट नंबर यहाँ पर पैंडमिक में नीचे आता हुआ दिखाई दिया, और 2019 में यहाँ पर धीरे धीरे सेल्स कम होती हुई दिखाई दी थी, और अभी की सेल्स देखिए तो यहाँ पर लगातार यहाँ पर सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही है पिछले 4-5 क्वार्टर से। तो हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स है अगेन, और नेट प्रॉफिट की बात करें वो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे। तो दिस इज द थिंग ओके कि जिसकी वजह से मुझे ये शेयर यहाँ पर अच्छा खासा नजर आता है, और जिस वजह से यहाँ पर शेयर गिरा था, याद रखिए जब भी शेयर यहाँ पर गिरता है, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, फिर चार्ट पे चलेंगे लास्ट में। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, रिजल्ट बेकार है, रिजल्ट अच्छे आ रहे थे शेयर ऊपर गया, रिजल्ट बेकार आना शुरू हुए हुए और तो यहाँ पर शेयर नीचे आया, और अब रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत टाइम और जाएगा फिर दोबारा भागते हुए नजर आएंगे, बट रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। याद रखिएगा, रिजल्ट बेकार आते हैं चीजें नीचे आती है, रिजल्ट अच्छे आते हैं चीजें ऊपर जाती है। सेल्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स का अच्छे खासी यहाँ पर सेल्स चल रही थी 2019 तक। 2020-21 में लगातार यहाँ पर एक गिरावट होती है नजर आई, यहाँ पर एक गिरावट हुई, फिर यहाँ पर गिरावट हुई, और अब दोबारा देखें पिछले 12 महीने में तो अच्छी खासी सेल्स होती हुई नजर आई है। और प्रॉफिट की भी बात करें तो यहाँ पर जो प्रॉफिट कम होता हुआ नजर आ रहा था धीरे धीरे बढ़ रहा था, अभी पिछले 12 महीने का प्रॉफिट यहाँ पर लगभग 4 करोड़ 3.5 करोड़ के आसपास है, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट है, और ईपीएस भी यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी के रिजर्व्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 13-14 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है, अच्छे खासे रिजर्व्स है। बोरिंग की बात करें, बोरिंग यहाँ पर थोड़ी सी है 6 करोड़ के आसपास की, तो यहाँ पर बोरिंग भी है। वर्किंग प्रोग्रेस में कोई यहाँ पर पैसे यहाँ पर लगे नहीं हुए कंपनी के, एक बार हम यहाँ पर स्टैंड लोन में देख लेते हैं अगर कुछ लगा हो तो, हाँ वहां पर भी नहीं लगे हुए। तो यहाँ पर कैश की बात कर लेते हैं कंपनी के, तो कंपनी के पास लगभग 1 करोड़ के आसपास का कैश भी है, और यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं एक बार कैश, हाँ तो 1 करोड़ के आसपास का कैश है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 54.89% के शेयर यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है, तो अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर नजर आती है। इसके अलावा पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 45% के शेयर है, बट एक पर्टिकुलर ग्रुप ने दिसंबर में ही यहाँ पर शेयर यहाँ पर खरीदे 1.83% के। और यहाँ पर देखे तो लगभग 6-7-8.5% के आसपास की होल्डिंग है, तो ये आप निकाल देंगे तो लगभग 38% के आसपास की होल्डिंग यहाँ पर पब्लिक और बड़े लोगों के पास यहाँ पर दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं चार्ट की, तो चार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के रिजल्ट आए थे कुछ टाइम पहले दिसंबर में, 10 फरवरी को जैसे रिजल्ट आया अगले दिन यहाँ पर शेयर यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया अच्छा खासे तरीके से, यहाँ पर लगभग 20% का अपर सर्किट के आसपास ये शेयर गया। और देखिए मार्केट तब से लगातार गिरती हुई नजर आ रही है, सारी केमिकल्स एज वेल एज अलग अलग शेयर यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं, बट ये एक पर्टिकुलर शेयर है जो कि साइड बेस चलता हुआ नजर आ रहा है, भाग भी नहीं रहा तो गिर भी नहीं रहा। तो यहाँ पर ये चीज क्या दिखा रही है, ये चीज दिखा रही है कि यहाँ पर बस ये एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है, और कौन सी अपॉर्चुनिटी का, कि मार्केट में सब कुछ ठीक हो, और जैसे ही मार्केट यहाँ पर ठीक होगी तो ये शेयर यहाँ पर जो इसकी जर्नी है ना, जो यहाँ पर नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर चार्ट में कि नंबर बेकार आते हैं तो चीजें नीचे आती है, और नंबर अच्छे आते हैं चीजें ऊपर जाती है, तो वही वेट कर रहा है कि कब नंबर, यहाँ पर नंबर अच्छे आ चुके हैं, जब नंबर अच्छे आ चुके हैं सब चीज अच्छा है तो यहाँ पर साइडवेज चलने के बाद चीजें ऊपर नजर आती हुई दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत के तुरंत यहाँ पर ऊपर भाग जाएगा, ये भी हो सकता है कि चीजें यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर नीचे आए, और यहाँ पर एक बेहतरीन सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है 52 का, यहीं से 20% का अपर सर्किट भी लगा था, तो यहाँ पर एक अपर सर्किट वाली चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा एक चार्ट पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ, यहाँ पर मैं दिखाऊं तो ये कब बन रहा है, कब बनने का ये हैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है, एक कब विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके हिसाब से अगर हम टारगेट देखें तो ये टारगेट नजर आ रहा है जो कि यहाँ पर 79 के टारगेट है, और 79 के टारगेट का मतलब क्या है, 79 का यहाँ पर टारगेट का सिंपल सा मतलब एक है कि यहाँ पर ये अभी भी लगभग 30% के आसपास के, 31% के आसपास के यहाँ पर रिटर्न आपको अभी भी दे
सकता है, और ये अपने ऑल टाइम यहाँ पर जो ये इसका पूरा कर्व बन रहा है। याद रखिए, जैसे अब मैंने आपको बताया था राउंडिंग राउंडिंग टॉप में नीचे आती है चीज़ें, मतलब बियरिश होती है, तो राउंडिंग अप में इस तरीके से चीज़ें ऊपर जाती है, और इस तरीके से चीज़ें ऊपर जाके यहाँ पर अपने टारगेट को मीट करती है। तो ये टारगेट को भी मीट करती हुई मुझे साफ नज़र आ रही है, 83 तक ये जाती हुई मुझे साफ नज़र आती है चीज़ें। और इसके अलावा यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक चार्ट पैटर्न दोबारा उभरता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी एक कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं दूसरे तरीके से तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके हिसाब से भी अगर हम टारगेट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये टारगेट भी अच्छे खासे टारगेट है। ये कप है, कप बनाने के लिए छोटा सा हैंडल बन रहा है, और इसके हिसाब से जो टारगेट आएंगे तो ये थोड़े से दूर के टारगेट हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा टाइम इसमें लग सकता है, बट नंबर अगर अच्छे आते रहे तो ये टारगेट अचीव होने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट स्टिल बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को खुद की स्टडी करके ही आपको कोई भी पोजीशन लेनी है, किसी के कहने पर नहीं आना। और ये अपने ऑल टाइम हाई तक लगभग ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस करके 126 सीधे दिखा रहा है कि 126 जो कि लगभग 100% से भी ज़्यादा के रिटर्न होते हैं सीधे बनता हुआ नजर आ रहा है। बट सबसे पहले यहाँ पर टारगेट अचीव होंगे 81। अगर ये याद रखिए इस लेवल को निकाल लेता है जो कि इसका हाईएस्ट एवर लेवल है, दिखा देता हूँ एक बार, तो लगभग 64.9 को अगर ये निकाल देता है, 65 रुपये से ऊपर जाता है, तो याद रखिए एक रैली होगी जो इसे सीधे यहाँ पर इसके यहाँ पर जो हमारा टारगेट है 78 यहाँ तक ले जाएगी, फिर इसके बाद एक एक करके ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर पोजिशन लीजिएगा, वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और जितना हो सके सपोर्ट करिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।